हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर योर क्लास टेस्ट। कि आपको जो भी एक्सरसाइज बताया था क्लास टेस्ट के लिए, आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। अब आपको ये क्लास से जो थर्ड है, ये बिना किसी की हेल्प की, विदाउट एनी हेल्प, आपको सॉल्व करनी है। एंड विदाउट एनी कॉपी, आपको कहीं से बुक से या नोटबुक से इसका कॉपी भी नहीं करना है, ना आपको आपका ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर चेक, आपको आंसर कहीं फाइंड करना है। आप इसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है कि हमें कितना आता है, या हमें इस एक्सरसाइज से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो हमें क्लियर है या नहीं है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 6537 फ्रॉम 8000। 8000 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 6537। बी है 6927 फ्रॉम 8070। 8070 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 6927। याद रखना कि जो भी सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, हम पहले बड़ा डिजिट ऊपर लिखते हैं फिर छोटा डिजिट। क्वेश्चन नंबर टू, थिंक ऑफ द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐड और सब्ट्रैक्ट। राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो। कि आपको यहाँ पे थ्री वर्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, वर्ड सम्स। इनमें आपको बोला है कि पहले आपको को पढ़ना है, समझना है कि क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप किया गया है, एंड इसका आपको आंसर किस वे में देना है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में। राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपकी जो लास्ट क्लास से था उसमें आपने वर्ड सम के, आपके वर्ड सम थे जिनमें आपने सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख के सेंड किए हैं, तो आपको क्वेश्चन में आपको जो लैंग्वेज दे रखी है उसके उसका यूज़ करके आपको कुछ स्टेटमेंट भी सेंड करने हैं। मतलब आपको डायरेक्ट आंसर सॉल्व नहीं करना है, आप विद स्टेटमेंट आंसर सेंड करना। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में, अभय बोट 608 एग्स एंड सॉल्व 485 ऑफ देम, हाउ मैनी एग्स आर लेफ्ट विद अभय। कि अभय के पास में, अभय ने एग्स परचेज किए, कितने एग्स, 608 एग्स उसने परचेज किए, एंड सॉल्व 485 में से उसने 485 क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए या बेच दिए। अब आपको ये बताना है कि अभय के पास में कितने एग्स लेफ्ट है, कितने एग्स उसके पास में बच गए। अब लैंग्वेज है कि आप विद लैंग्वेज आंसर कैसे दो, तो अभय बोट एग्स इज इक्वल टू 608, अभय सॉल्ड एग्स इज इक्वल टू 485, एग्स आर लेफ्ट, जो आपका जो भी आपका आंसर आएगा ऐसे आपको उसकी लैंग्वेज भी बनानी है। नेक्स्ट है, बाय हाउ मच इज 6500 ग्रेटर देन 3555। कि जो 6500 है वो 3555 से कितना बड़ा है। ओके, कितना बड़ा है, इट मीन्स आपको इसके बीच का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस के लिए आप जो कौन सा यूज़ करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, वो मेथड आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट टाइम, एक कॉलेज हैज़ 8540 स्टूडेंट्स। एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, 8540। इफ 4876 आर गर्ल्स, कि उन 8540 में से 4876 कौन है, गर्ल्स हैं, हाउ मैनी बॉयज आर देयर। तो आपको ये बताना है कि अब कॉलेज में बॉयज कितने हैं, आपको टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज में आपको वो बताए हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए। अब आपको ये बताना है नंबर ऑफ बॉयज की कॉलेज में अब कितने बॉयज हैं। ओके, सो आई होप कि आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन में कैसे आपको क्या आंसर देना है। तो आप इनको सॉल्व करके मेरे को फोटो भेजना। ओके, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।